मैं आपका दोस्त सुंदर सिंह बसवैया फ्रॉम स्पीड टेक इंजीनियरिंग कंपनी। अब से पहले आपने मेरे दोस्त मेरे पार्टनर रिजवान सैफी को वीडियो में देखा होगा, जो हर तरह की स्क्रैप वायर और मशीनों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। मैं आज आपको जानकारी देना चाहूंगा, ये जो स्क्रैप वायर में फ्रॉड कर रहे हैं लोग, आप जैसे ही स्क्रैप वायर के बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं तो आप ऑनलाइन बिजनेस ऑनलाइन स्क्रैप सर्च करते हैं कि कहां से मुझे मिलेगा, किस रेट में मिलेगा और वगैरह वगैरह। जब आप ये सर्च करना शुरू करते हैं तो आपको हर जगह दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में ये ऑनलाइन सेल करने वाले, या ये कहें जो आपको ऑनलाइन मिलते हैं, इन्होंने एक नया फ्रॉड करने का तरीका इजाद कर लिया। वो इस टाइप से कि ये स्क्रैप के फोटो रखते हैं जिसमें अच्छी खासी रिकवरी होती है। मान लो उसमें रिकवरी 300 रुपए की है तो उसे ये आपको बोलेंगे 250 रुपए का। तो आदमी इंटरेस्टेड हो जाता है कि हाँ 250 रुपए की इसमें माल मुझे मिल रहा है और 300 रुपए की रिकवरी है, और बार्गेनिंग करते करते वो आपको 200 पे ले आएंगे और कहेंगे कि हम आपको टनों हर रोज कई टन माल दे सकते हैं। तो वो धीरे 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 आपसे एक दिन, दो दिन, तीन दिन में आपको फंसाना धीरे धीरे शुरू करते हैं। उसके बाद में वो आपको पिक्चरें भेजेंगे कि ये है वो है, फिर आपसे ये कहेंगे कि भाई साहब हमारे पास 10 टन माल पड़ा हुआ है और उसका खरीदार हमें मिल रहा है, अगर जो आपको इसमें से 2 टन 4 टन जो भी लाख 2 लाख का माल रोकना है या आपके लिए बुक करना है तो आप हमें 20,000 10,000 30,000 जैसा कस्टमर सटके ही नहीं, जैसा इन्हें मिले या जैसा कट जाए इनसे, ये उनको ऐसे फंसाते हैं। फिर आदमी सोचता है कि भाई 2 लाख का माल है, 20,000 एडवांस देके मैं ये अपना माल रुकवा लेता हूं। तो इन्होंने ये तरीका कर अब शुरू कर दिया है। और इस फ्रॉड से बचना कैसे है, मैं आपको वो तरीका बताता हूं। अगर आपसे किसी की ऑनलाइन चैटिंग हो रही है, किसी भी व्हाट्सएप पे या फोन पे बात हो रही है, तो आप सबसे पहले उससे ये कहें कि भाई साहब ठीक है, माल भी ठीक है, ये भी ठीक है, सारा ठीक है, आप मुझे वीडियो कॉल पर अपने गोडाउन की, अपनी फैक्ट्री की विजिट कराएं ऑनलाइन। भाई आप मानो आप चेन्नई से बात कर रहे हैं और दिल्ली में वो माल बेच रहा, तो उसका गोडाउन भी होगा जरूर, तो आप मुझे ऑनलाइन उसकी विजिट कराएं वीडियो कॉल पर कि आपके पास कितना माल है, कहां माल है, किस रेट में है। वो आपको विजिट ऑनलाइन वीडियो कॉल पर नहीं कराएगा। उसके बाद उनके पास एक और रास्ता है झूठ बोलने का कि अभी तो हमारा अहमदाबाद है, अभी तो हमारा माल मुंबई पोर्ट पे रखा हुआ है या इधर उधर, मतलब कुछ भी बोलेंगे वो। इस टाइप से इन्होंने एक नया तरीका इजाद कर लिया फ्रॉड करने का। और इन लोगों को मानो देखो, हर आदमी परेशान है धंधे को लेके, बिजनेस को लेके, इन लोगों को आपसे केवल वो 10-20 हजार रुपए कमाने होते हैं, ज्यादा नहीं। और हमारे जैसा, आपके जैसा मजबूर मजदूर आदमी दिन में, दो दिन में एक दो आदमी फंस ही जाते हैं इन लोगों को। तो अगर जो इन्होंने 10 हजार भी आपसे कमा लिए और आप जैसे महीने में 10 कस्टमर टकरा गए जिनके साथ में इन्हों फ्रॉड करना है, सीधी सी बात है 1 लाख रुपया इनका हो गया, समझ रहे ना। तो आपको इन फ्रॉड से, ऐसे लोगों से बचना। और हम एक अपना ग्रुप बना रहे हैं जिसमें खरीदार और स्क्रैप सेलर दोनों होंगे, लेकिन हमारे ग्रुप में कोई फ्रॉड नहीं करेगा। वो हम चाहे अगर जिसका मुंबई पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, जहां भी है, हम खुद जाके विजिट करेंगे। अगर जो उसका माल है और सही रेट पे है तो ही हम आपको प्रेफर करेंगे कि आप इस सेलर से माल खरीदें। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से आपकी कुछ तो समझ में आया होगा, मैंने पूरी समझाने की कोशिश करी है। बाकी अगर जो आपसे कोई इस टाइप का सेलर मिलता है जो इस टाइप से बेच रहा है, तो आप सीधा सीधा ना खरीदें, मैंने आपको जो तरीके बताए वीडियो कॉल पे विजिट करें। और अगर जो आपको वीडियो कॉल पे विजिट नहीं करा रहा है वो तो समझ लो फ्रॉड है। और फिर वो ये कहें कि भाई हमारा मुंबई पोर्ट पे माल पड़ा हुआ, तो ठीक है जब तेरा मुंबई पोर्ट से आ जाएगा तब हम ले लेंगे, ठीक है। एक रुपया भी आपको नहीं देने, ये जो पैन इंडिया, ऑल इंडिया डिलीवरी वगैरह वगैरह वगैरह, कई सारे लोग हैं दिल्ली में जो बैठे हुए हैं, मुंबई में भी हैं, गुजरात में भी हैं, ये पूरे देश ने पूरी दुनिया में फैले हुए हैं,
ऐसे कुछ मेरे कस्टमर्स के मेरे पास आई थी जानकारी कि नाइजीरिया में भी लोग ऐसा बैठ के फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, तो इनसे बचना है। धन्यवाद।